हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम क्लास सेवेंथ मैथ्स द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी चैप्टर सिक्स एक्सरसाइज 6.2 करेंगे. ओके, तो इससे प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट में मैंने इंट्रो पढ़ाया था, तब मैंने बता दिया था तुम्हें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की. एक बार और रिवाइज कर लो क्योंकि इसी का यूज है इस वाली एक्सरसाइज में. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है ये प्रॉपर्टी. द मेजर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल, कोई भी एक्सटीरियर एंगल जो है ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट है. ठीक है, कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल जो किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनता है, किसी भी लाइन को हम बाहर की तरफ बढ़ा देते हैं तब ये एक्सटीरियर एंगल है. इसका इंटीरियर ये वाला है और इस इंटीरियर के अपोजिट एंगल्स ये दोनों बनते हैं, तो इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोलती है. ठीक है, यानी इन दोनों को प्लस कर दे तो इसके इक्वल आता है. ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये चीज़ हमें मालूम चली. तो अब क्वेश्चन नंबर वन में हमें फाइंड करने के लिए बोला है एक्स की वैल्यू. इस तरह से एक ट्रायंगल्स बना के दिए हुए हैं जिनके एक्सटीरियर में एंगल एक्स दिया हुआ है. ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी लगानी है ईजीली. ये x फाइंड आउट करना है. x कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके इंटीरियर के अपोजिट एंगल कौन से 50 एंड 70 दोनों को प्लस कर दो, वो x के इक्वल होंगे. रीज़न क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. बस ये प्लस करना है, x की वैल्यू आ जाएगी और तुमने लिख देना है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ऐसे ही इसमें x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, इसका इंटीरियर ये है और इसके अपोजिट एंगल्स हैं 65 एंड 45. इन दोनों को प्लस कर देंगे 110. रीज़न क्या लिखेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. इसी तरह से इसमें है. ठीक है, एक्स की वैल्यू सबको इन दोनों को प्लस कर दिया, ऐसे ही निकाल देना है, 70 आ गया. इसका रीज़न भी सेम रहेगा. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट निकालना है एक्स, इसमें 60 प्लस 60 कर दिया 120 आ गया, इसमें 50 प्लस 50 100 आ गया, 60 प्लस 30 90 आ गया. तो इस तरह से ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन बिल्कुल सिंपल है, आसानी से तुम कर सकते हो. अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू में भी हमें एक्स पता करना है, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर वन में हमें यहाँ पर एक्स दिया था, क्वेश्चन नंबर टू में हमें अंदर ट्रायंगल के अंदर एक्स दिया है. ठीक है, डिफरेंस क्या है, पहले हम लोग इन दोनों एंगल्स को प्लस करके ये वाली वैल्यू निकाल रहे थे, अब क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल में से जो भी गिवन एंगल है उसको माइनस कर दो तो तुम्हारा अननोन जो एंगल है एक्स है वो पता चल जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमें मालूम है कि उसका इंटीरियर के सम अपोजिट के सम जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है. ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स. तो एक्सटीरियर एंगल कितना दिया है, 115 इस क्वेश्चन में दिया है 115. तो 115 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स. एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 115, 50 वहाँ पर ट्रांसपोज हुआ यानी चला गया तो माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद 65 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई 65. ठीक है, तो इसी तरह से तुम ऐसे लिख सकते हो 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 100. इसका रीज़न साथ में लिख दिया करो, एक्स बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बाय, ऐसे कभी भी ये जब भी हम कोई चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसका रीज़न लिख देते हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, ये हर क्वेश्चन में ये चीज़ लिखनी है, हर क्वेश्चन के ब्रैकेट में ये लिखना है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, तो ये लिख देना है और फिर सॉल्व कर देना है. ठीक है, x इज इक्वल टू आ गया 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30. इसी तरह से अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें तुम बोलोगे कि गिवन नहीं है कोई भी एंगल, तो यहाँ ऐसे बॉक्स बना के दिया है तो हम अपने आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वो 90 डिग्री है. ठीक है, तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 125. एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 125 माइनस 90 आ जाएगा, 125 माइनस 90 35. इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे आराम से. x प्लस 60 इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 120 माइनस 60 आ गया. तो ऐसे ही x प्लस 30 इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80 माइनस 30, x इज इक्वल टू 50. ठीक है,
और एक्स प्लस 35 इजिकल टू 75, एक्स इजिकल टू 75 माइनस 35, एक्स इजिकल टू 40। सबके रीजन सेम लिख दोगे बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। कोई भी क्वेश्चन जब हम करते हैं और कोई हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो वो हमें ब्रैकेट में लिखनी होती है कि हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो थैंक यू। ये वीडियो यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो। ओके, थैंक यू।